हेलो स्टूडेंट्स हाव आई यू ऑल आई होप यू ऑल आर सेफ़ एंड फाइन एट योर होम्स सो आज हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में बट उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हमने लास्ट में पढ़ा था वूल के बारे में देन हमने देखा था कि वूल की प्रोसेसिंग कैसे होती है देन वूल्स वूल इंडस्ट्री में काम करने के क्या क्या हिसाब से उसके बारे में देखा था सो टुडे अबाउट सिल्क तो सिल्क इज़ अ चेरिश्ड मटीरियल्स सिंस टाइम तो लोग सिल्क को बहुत ही पसंद करते हैं पहले से ही पहले से ही सिल्क को बहुत अच्छा मटेरियल माना जाता है अच्छा माना जाता है फैब्रिक इट हैज अ स्मूथ एंड शाइनी टेक्सचर उसका टेक्सचर कैसा होता है स्मूथ मतलब सॉफ्ट होता है और कैसा होता है शाइनी चमकीला होता है द सिल्क फाइबर इज एन इंसेक्ट फाइबर ऑप्टेन फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क वॉर्म तो जो सिल्क फाइबर है जो सिल्क का फैब्रिक है कपड़ा है वो किससे लिया जाता है टाइप ऑफ सिल्क वॉर्म जो की किसी प्रकार के सिल्क वॉर्म से लिया जाता है सोर्सेज तो क्या है कहाँ से आता है सिल्क तो द मेन सोर्स ऑफ सिल्क इज दिल्क वाम तो जो मेन सोर्स है सिल्क का वो कौन है सिल्क वम है ऑप्टेन वही सिल्क वम जो मलबेरी ट्रीज पे रहते हैं द रियरिंग ऑफ सिल्क वाम इज कॉल्ड सेरिकल्चर तो हमने देखा था कि वुल्स को भी रियर कराया जाता था है ना पाला जाता था शिप्स को पाला जाता था टू टेक वूल उनसे वूल लेने के लिए शिप को रियर कराते थे तो वैसे ही सिल्क वर्म को भी रियर कराया जाता है तो रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म इज कॉल्ड सेरिकल्चर ठीक है सिल्क वर्म की रियरिंग को क्या कहा जाता है सेरिकल्चर इट इन्वॉल्व रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ रो सिल्क विच इज द्ड ऑप्टेट आउट ऑफ ककून्स स्पन बाय सर्टन स्पेसीज ऑफ इंसेक्ट तो द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म की रियरिंग में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है और क्यों इन क्यों होती है इसकी रिय फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रो सिल्क ताकि उन्हें रो सिल्क जो स्टार्टिंग स्टेज का जो सिल्क है वो मिल सके विच इज़ द यार्न ऑप्टेन आउट ऑफ द काकूं तो जो काकस ऑप्टेन करते जो काक से मिलता है हमें ठीक है जो जो कि इंसेक्ट्स जो होते हैं लार्वा जो होते हैं जो ककून बनाते हैं ठीक है थीके? उस ककून से क्या निकाला जाता है यान यान मिलता है ठीक है जो थ्रेड जैसा यान मिलता है जिससे कि आगे सिल्क की प्रोडक्शन होती है नाउ टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सैरिकल्चर लेट इज फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ अ अम तो हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अ अम क्या होती है ऑल्सो कॉल्ड सिल्क मोथ सिल्क वॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड सिल्क मोथ तो जो सिल्क मोथ होते हैं वो मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं मलबेरी ट्री में ठीक है मलबेरी ट्री में सिल्क मोथ पाए जाते हैं एंड द सिल्क का यानी इज ऑप्टेन फ्रॉम द ककून ऑफ द सिल्क मोथ आप देख सकते हो इस पिक्चर में लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ तो यहाँ पे जो सिल्क जो मिल रहा है वो मेन कहाँ से मिल रहा है ककून से मिल रहा है ठीक है देन यू मे हैव सीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क क्लोथ सम सिल्क क्लोथ आर वेरी सॉफ्ट वेर समान कोजर तो कुछ सिल्क क्लोथ जो होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और कुछ कैसे होते हैं हार्ड होते हैं सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क सो नाउ लेट इज अंडरस्टैंड दैट लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉम हैव मैनी स्टेजेस उसकी बहुत सारी स्टेजेस से उसे पास होना पड़ता है देन लेट्स सी कि वो स्टेजेस उसकी क्या है कैसे बटरफ्लाई लाइफ साइकिल वो एग ले करता है एग देता है है ठीक देता वो जो एग है वो किस पे देता है मलबेरी लीव्स पे देन एग बिगिन टू हैच धीरे धीरे वो फूटने लगते हैं और दो हफ्ते बाद एक छोटा सा कैटापिलर उसके बाहर आ जाता है ठीक है इट इज़ नॉन एज लार्वा उसे क्या कहा जाता है लार्वा। अब वो मलबेरी लीफ पे रहते हैं देन मलबेरी लीफ पे ही वो फीड होते हैं ठीक है ठीके? अपना जो फूड है वो मलबेरी लीफ से ही लेते हैं देन क्या होता है कैटापिलर सक्रीट अ फाइबर कैटापिलर छोटा सा एक फाइबर सक्रीट करता है ठीक है वो नि, फाइबर अपने आप से बाहर निकालता है और वो धीरे धीरे उस फाइबर का क्या बुन लेता है एक ककून बुन लेता है और अपने आप को उस ककून के अंदर ही बंद कर लेता है अब कैटापिलर जो है वो थ्री टू सेवन डेज लेता है इस ककून को प्रिपेयर करने के लिए और उसी के, उसी के अंदर रह के और वो किस में चेंज हो जाता है प्यूपा में चेंज हो जाता है कैटरपिलर से अब वो नेक्स्ट स्टेज पे आ जाता है प्यूपा और अब लास्ट स्टेज में क्या होता है थोड़े वीक्स बाद वो कैटापुलर क्या बन जाता है एक अडल्ट मोथ बन जाता है जो सिल्क ऑप्टेन होता है वो ऑप्टेन होता है मोस्टली प्यूपा से देन टाइप्स ऑफ सिल्क सिल्क के टाइप्स क्या क्या है कैसे होते हैं तो टेक्सचर ऑफ सिल्क क्लोथ लार्जली डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ थ्रेड तो सिल्क का जो टेक्सचर है ठीक है जैसा सिल्क जैसा फील हो रहा है वो किससे मिलता है जिस टाइप का वो थ्रेड होता है यार्न होता है प्रोड्यूस्ड बाय द सिल्क प्रोड्यूस नॉट ऑल द दिल्क मोथ सेम काइंड ऑफ फाइबर तो सारे ही सिल्क मोथ एक जैसा फाइबर प्रोवाइड नहीं करते ठीक है एक जैसा ही ककून नहीं प्रोड्यूस करते हैं देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क फाउंड एट डिफरेंट ट्रीज एंड प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ यान तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क वॉर्म्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ यान प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग ककून प्रोड्यूस करते हैं तो जिससे अलग अलग सिल्क मिलता है नाउ सिल्क टाइप तो मलबेरी सिल्क जो होता है वो मलबेरी ट्रीज पे रहते हैं वही वॉम प्रोड्यूस करते हैं ठीक है वहां से वो क्या खाते हैं मलबेरी लीव्स खाते हैं देन टूसार कोस, कोसा सिल्क तो ये वाइल्ड वाइल्ड सिल्क मोत होता है ठीक है ये किस ट्रीज़ पे रहता है अर्जुन एंड साल्ट लीव्स पे रहता है देन मूगा सिल्क तो ये सिल्क मोत असम में ही होते है ये और एरोमेटिक प्लांट्स ऑफ सोम एंड सोलू तो इन प्लांट्स पे रहते हैं नाउ एरी एंडी एंड सिल्क ओपन एंडेड काकून डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर काकूं रेगुलर काकून कैसा देखा था हमने प्रोसेस में पूरा एक ओवल शेप का काकून उन्होंने प्रोड्यूस किया था बट यहाँ पे कैसा काकून बनाते हैं वो ओपन एंडेड काकून बनाते हैं ठीक है थीके? जिसके एंड कैसे होते हैं खुले होते हैं देन ये कहाँ पे रहते हैं कोस्टल लीव्स पे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क सिल्क कैसे प्रोड्यूस होता है सो so, आज हमने सीखा है कि सिल्क वॉम की लाइफ साइकिल क्या है तो एक बार फिर से सिल्क वॉम की लाइफ साइकिल डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहली जो स्टेज है वहाँ पे क्या है फीमेल जो होती है फीमेल मौत जो होती है वो एग ले करती है ठीक है और थ्री हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड पिन हेड साइड्स एक बहुत सारे एग्स होते हैं मतलब थ्री हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड पिन हेड मतलब छोटे छोटे, छोटे एग्स होते हैं देन एग्स से क्या निकलता है लार्वा निकलता है और वो लार्वा फॉर द नेक्स्ट 40 टू 45 डेज वो लार्वा लीफ के ऊपर मलबेरी लीफ के ऊपर रहता है और ग्रो करता है दे मोल्ड शेडिंग स्किन वो स्किन अपनी शेड करना स्टार्ट करता है टू अकोमोडेट देयर ग्रोइंग साइज और बढ़ता है देन थर्ड स्टेज में वो क्या बनाता है अपना एक ककून बनाता है आफ्टर दैट फाइनल माउथ, द लार्वा, कैटलर स्पिन द काकून उसके आसपास वो एक काकून जो ये वाइट स्ट्रक्चर बना देता है देन वो काकून प्यूपा स्टेज पे आता है तो कैसे आता है अपने अंदर ही जहाँ पे वो काकून है उस उसके अंदर ही वो प्यूपा में चेंज हो जाता है ये कब तक रहता है आफ्टर फोर्टीन टू एटीन डेज जब ये काकून में रहता है उसके बाद वो बाहर आता है क्या बन के बाहर आता है एक मोत